पिट गया आज। किसने पीटा? उसके पापा। रे भूला लो रखे उसका। हाँ, पता चल गया घर पे। अभी बुलाया था। तो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब ठीक हो गए। और अभी फ़िलहाल आज है मंडे और टाइम शाम के 5:30 बज गए गाइस। और गर्मी ना फिर वैसी हो जाती है, एक दिन बारिश पड़ती है और एक दिन सही रहता है, फिर 10 दिन बारिश आती नहीं और गर्मी फिर वैसी हो जाती है। अब ना दूसरी बार ना के आया हूँ, फिर भी ना पसीनों पसीन हुए जा रहा हूँ ना। तो अभी फ़िलहाल हमारा शहजादा तो एज़ यूजल ट्यूशन गया हुआ है, वो आने वाला है थोड़ी देर में। और मीनू भी दोबारा नहाने गई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, क्या करें। और मम्मी और अभी ना अंदर बैठे हैं। और क्या गया, मेरे को 20 रुपया देता। क्या 20 रुपया? मैं 20 रुपए लेके चीज लेके 20 रुपए की और साइकिल चलाऊंगा अभी 10 साल। मैं तेरा वेट करे जा रहा हूँ, कब से आ रहा, आया नहीं। आज इतनी लेट कैसे हो गया? वर्क ज्यादा था। हाँ दिखाना भाई, देखो ना ये आ रहा है कि पता नहीं लाल लाल क्या हो गया। दाने हैं हल्का। कोई कीड़ा कूड़ा तो नहीं खाया? अब पैर ते वेख ते की होया पिया। गुरुद्वारे के लिए पैसे लेके जा। तो गाइस हमारा माशिया तो आते ही गया, 2-3 दिन से ना इसने रूटीन बना रखा है, ये सारे फ्रेंड्स ना गुरुद्वारा साहिब जाते हैं माथा टेकने। तो गाइस फिलहाल आ रहा है तो गया अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने, और उसने खेलना क्या, बस 10-15 मिनट में साइकिल चला के आ जाएगा। तो उतनी देर ना मैं तो जाता हूँ छत पे, बाहर ना हवा चल रही है तो ऊपर जाके ना ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। तो गाइस फिलहाल छत पे आ गया मैं, और छत पे तो क्या हा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ गया छत पे आके। तो गाइस मम्मी तो आज टाइम से ही तंदूर पे रोटी लगाने लग गए, आज शायद कहीं जाना होगा कीर्तन वगैरह पे, वो जल्दी कर रहे हैं। हाँ की होगा? अरे आज बेलिया नाल गया ता नहीं गया मैं, दोस्तों नाल जांदा है। चल कोई नहीं, आ जाता तो पूछ लेने। तो गाइस आ रहा तो मेरे को बता रहा था कि वो दोस्तों के साथ जाता है माथा टेकने गुरुद्वारा साहिब में, पर अभी मीनू ने बताया कि वो अकेला जाता है, खुद ही जाने लगा। पता नहीं उसके मन में क्या आ गई, 2-3 दिन से ना रोज ही जा रहा है गुरुद्वारा साहिब माथा टेकने। तो गाइस फिलहाल टाइम 7:45 बज गए और काफ़ी देर हो गई मेरे को छत पे आए। तो अभी ना मीनू की आवाज़ आई है नीचे से ना, मार्केट से कुछ सामान लेके आना है, तो अभी नीचे जा रहा हूँ, फिर मार्केट जाके आते हैं, जो भी सामान लेके आने वाला है वो ले आते हैं। तो अभी ना नीचे चलते हैं पहले। डिम होगी, डिम फ्रिज बंद करो सारे, और एसी बंद कर दे, लाइट डिम होगी। तो गाइस देख ना लाइट बिल्कुल ही डिम हो गई ना गाइस, जैसे ना मर रही हो लाइट। आज फिर लोड ज्यादा हो गया, लाइट खराब करूंगी या बंद कर। नहीं क्या हो गया? मैं एक बार करा पार्क में रोज कोल्ड ड्रिंक लेके आता था। हां सब रोज होता है, अरे लेके कैसे आए थे इसको, इतने पैसे कैसे मिल जाते हैं। हां भी फिर उसने बताया भी वो कैसे पैसे चोरी करके लाता है, पहले 100 लाता था अब 200 लाता है। तो घर से पैसे चोरी करके और अपने दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। हाँ। तो अब ऐसे दोस्त के साथ मत रहना जो ऐसे घर से पैसे चोरी करता है, गंदी बात होती है। राम राम माऊ जी, ठीक हो? तो गाइस माऊ आए बैठे हैं, देखी तो ना घरों कहना मुंडा चोरी करके लांदा, कदे 100 रुपया कदे 200 रुपये, तो लिया के ना मुंडिया नू कोल्ड ड्रिंक पिला देंदा पार्के च बेलिया नू। तो इन्हू मैं पूछा, मैं तेनों तो नहीं पियाई कदे, कहना मेरे को एक बार पिलाई थी। मैं फिर अजे मुंडे तो दूर ही रही तू, गलत बात होती है बाबू। ऐसे घर से चोरी करके ऐसे ऐश करनी कोई वो मजे वाली बात है? पिट गया आज। किसने पिटा? उसके पापा। रे भूला लो रखे उसका। हाँ पता चल गया घर पे। अभी बुलाया था। तुमने बताया था? हम सब ने बताया आपने दोस्तों ने। अच्छा तो चलो ये बढ़िया करा, पिटा ये तो गलत बात है पर तुमने बता दिया उसके पापा को, ये सही करा। ओदे पापे नु दसदा तो सही गल कीती है सुंग दी, तुमने सही करा है, तो ऐ तो फिर चोरी की आदत पै जूगी जवाक नू।
तो गाइस देखा आपने कैसे छोटे छोटे बच्चे ना घर से पैसे चोरी करके और दोस्तों को खिलाने पिलाने के लिए ना, वो लड़का घर से पैसे चोरी करके आता था और उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाता था, उनको चिप्स खिलाता था अपने दोस्तों को। वो भी क्यों, दोस्तों में अपना वट बनाने के लिए, अपना रोब बनाने के लिए ना घर से पैसे चोरी करता था। तो खैर आर्यावर ने ये बात तो ठीक करी कि उसके पापा को बता दिया, पर उसके पापा ने गलत करा कि उसको पीट दिया पार्क में ही पीट दिया उसको। तो ये तो खैर गलत करा, प्यार से समझाना चाहिए था बच्चे को। खैर बच्चों को ऐसे घर पे चोरी नहीं करनी चाहिए। तो जो बच्चे देख रहे हैं उनको यही बताऊंगा कि आर्य को तो हमने समझा दिया कि ऐसे दोस्त के साथ रहना ही नहीं है, और वैसे भी घर से चोरी करना ही गलत बात है। घर से क्या, कहीं से भी करना गलत बात ही है। खैर क्या हुआ, खा नहीं रहे मैगी? अच्छा तो अभी ना, तो खैर मैगी खुद ही बनाता है, जब खाता है तो अपने हिसाब से बना लेता है, जैसी बनाता है। तो मेरे को बता, तू गुरुद्वारे अकेला जाता है? हैं, कई बार अपने दोस्त को भी ले जाता होता है तो साथ। वही मेरे को मम्मा बता रही थी कि अकेला जाता है वो तो। अरे मेरे दोस्त होता है, चला जाता है साथ गुरुद्वारे। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं जब छत आ रहा, बंद कर इसको, पहले देखना ऐसे खाता है ये खाना, पहले साथ में ना शॉर्ट्स चलाएगा, फिर इसके पेट में जाता है खाना। ये इसका नहीं, सारे बच्चों का यही हाल है, इनको ना खाने के टाइम पे या तो टीवी या मोबाइल जरूर चाहिए। तुसी दे रखा बकरा फोन ले लो। मैं तो कोई नहीं दे रखा, तू ही देनी चक के। मैं तो ले लेना है तो फोन चक लो। देखो मैं इसके हाथ से फोन लेता हूँ और फिर खुद कहेगी कि आधा एयर बॉल पूल पे मैच लगाते हैं, इसको बोलेगी, फिर मैच के बहाने इसको फोन दे देती है, फिर नाम मेरा लगा देती है। मैं ये पूछ रहा था कि जब मैं छत से नीचे आया था तो इसीलिए आया था कि बाजार से कुछ लेके आना है। क्या सामान लेके आना? टॉयलेट पेपर, दूध। तो गाइस देखना, नीचे मैं ऊपर से तो नीचे आया था इसीलिए क्योंकि मीनू ने आवाज़ लगाई थी कुछ सामान लेके आना मार्केट से, और नीचे आते ही वोल्टेज एकदम से ज़्यादा कम होने लग गई, तो मैं सारे फ्रिज वगैरह बंद करने के लिए भागा, और फिर आर्या आ गया। आर्या की वो बात के चक्कर में ना सामान का भूल ही गया मैं, क्योंकि सामान लेने के लिए नीचे आया था। अभी याद आया तो अभी मीनू से सामान पूछा है, तो बस चलते हैं अभी मार्केट। फॉइल पेपर दे, फॉइल पेपर। तो गाइस फॉइल पेपर तो ले लिया, अभी दूध लेना है, दूध लेके घर चलते हैं। तो गाइस फिलहाल मार्केट जाके आ गया, मैं तो ना वो फॉइल पेपर लाना था क्योंकि आ रहा है का टिफिन पैक करके भेजना होता ना। काका कितने हैं? काका ने गया पक्षु ना। पक्षु ना? अच्छा। कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? वो मैं कहा जवाका जवाका ने बिजनेस बना रखा है भी जड़ी इनकी स्केटिंग वाली किट नहीं, किराए ते दें दे 50 रुपए डेली, 40 रुपए। मैं तो कहीं नहीं था उसको, जो मैंने बनाया मैं वही कर देनी है। नहीं उठाना नहीं है, बैठे रहने दे, अपने तो साइड में खेल लेंगे। तो गाइस अभी ना कई दिन हो गए बैडमिंटन नहीं खेले थे, तो आज आर्या ने भी बोल दिया कि बैडमिंटन खेले, तो मेरा भी मन करने लग गया, तो अभी ना बैडमिंटन खेलते हैं। तो गाइस मम्मी और तो बातें कर रहे हैं और हम इधर खेल लेते हैं। तो गाइस आ रहा तो खेल खेल के थक गया, अभी मीनू खेलती है, अब जगह खाली होगी पूरी। तो गाइस मीनू साथ बढ़िया खेल रहे थे, पर दोनों शटल ना इसके ऊपर गई, अब ना अब नहीं खेला जाता। क्या क्या कह रहा है? उधर सोने किधर है? नानी के। क्यों? गर्मी होता है। ऐसे ही लड़े, बढ़िया नींद आती है तेरे यार। हाँ, उधर जाने का बोल रहे ना, तो तकियो तो क्यों उठा के तैयार खड़ा है, उधर सुनेंगे। अरे यार गर्मी। तो गाइस फिलहाल डिनर आ गया, डिनर में कोफ्ते, कद्दू के कोफ्ते और दही। क्यों लड़ाई कर रहे हैं? मेरा 5% बढ़ा है, कोई बात नहीं। तो
तो देखना गाइस इतनी एक्साइटमेंट थी इसको इधर आने की, डिनर नहीं करा इसने। तो गाइस फिलहाल इधर आ गए अपना बोरिया बिस्तरा लेके, और अभी ना इनको बड़ी मुश्किल से चुप कराया, नहीं तो ये फिर शोर करने लग जाएंगे। तो अभी तो खैर इस ब्लॉग का एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं गाइस आपको नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।